बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की तरह गल्ला मंडी गोजे अंदर मौजूद हाँ और मंडी के अंदर आई जिनसा और रेट जो दोस्तों के नाल शेयर कर रहे हैं। पहले तो गल करांगे अपनी मंडी के अंदर रश्ते मुतलक, पहले वीडियो देखते हैं। तुसी वीडियो देखिया कि रश जिहड़ा वा कुछ कल दी नस्बत थोड़ा घट सी, इस करके कि मौसम खराब सी, बारिश दा दस्या सी। दूसरा है जिहड़ा वा सरों दा रेट जिहड़ा वा काफ़ी ठीक हुंदा जा रहा वा। इस तों अलावा एक थे गल पहलों असी करांगे वीडियो बनाउण तों पहलों, बज़ाते मुसलमान असी बहसीत मुसलमान, साडे ते फर्ज़ आ। असी रोज़ाना जिहड़ा वा देखदे हां फेसबुक ते यूट्यूब ते फलस्तीन दे हवाले नाल कि उत्थे दे मुसलमानां दे नाल की जिहड़ा हिसाब किताब कर रहे यहूदी। कम अज़ कम सानू असी लड़ नहीं सकते, सोचना चाहिए साडी उत्तरी सतह दे हुकूमतां नू। किन्ने भी जिहड़े मुस्लिम मालक ने सारे खामोश आ, कोई भी साडा मुस्लिम मालक जिहड़ा वा उन्हां वास्ते नहीं सोच रहा, उन्हां दी हैल्प नहीं कर रहा। बाकी सानू चाहिए असी उन्हां नाल लड़ तां नहीं सकते, बहसी ते मुसलमान असी, सानू चाहिए कि कम अज़ कम जिथे तक साडे तो हो सके करना चाहिए। सानू यह जरूर करना चाहिए कि इसराइल की जिनी भी मसनूआत आ कम अज़ कम उन्होंने बाइकाट जरा जरूर करना चाहिए। देखो अगर चीज़ा असं छड़ देंगे मशरूबात वगैरह या दूसरे जो प्रोडक्ट आ असी उन्हें साड़ी जिंदगी खत्म नहीं हो रही ना होएगी इंशाल्लाह। वो मतबाद बड़िया चीज़ा या बड़िया खुराक वाली चीज़ा मौजूद आ, असी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कम अज़ कम आखिरी साढ़े को हालांकि असं जी मसनूआत आ उन्होंने बाइकाट करिए। बहसीयत मुसलमान अगर तुम सोचो अगर उस जगह पर चंद लम्हे वास्ते अपने आप में तुम रखो या अपने बच्चों को रखो कि उन्होंने की बीत रही आ। असी इतने रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तारियां भी कर रहे हैं, सहरियां भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बारे सोचो जाके कि कितना मुश्किल टाइम उन्होंने इस टाइम है वा। गैर मुस्लिम तो जोड़े आ उन्होंने वास्ते बुलंद आवाज कर रहे हैं, लेकिन असी मुसलमान किन्ने मुस्लिम मालिक ने ताकत मौजूद ने अंदर, फिर भी उन्होंने बारे कोई जी उन्होंने बारे नहीं सोच रहा। कम अज़ कम सानू मुसलमान होने के नाते चाहिए कि उन्हें कम अज़ कम मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए। असी पैप्सी ना पीवा, कोक ना पीवेंगे, साडा गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्यामत वाले दिन असी जरूर इस चीज़ का सवाल ये जवाब देवे या जवाब दे होवे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत तो पूछा जाना वा जे इस टाइम बैठे ने उतली सतह के लोग हुकूमत दे विच, ते साडे तो जरूर सवाल होएगा कि तुसीं की किया। असी ये कर सकते हैं कि उन्होंने जी मसनूआत उन्होंने बाइकाट करांगे ते उन्होंने जगह दूसरी चीज़ा इस्तेमाल करांगे। बाकी दुआ करो रमज़ान मुबारक के हवाले नाल कि मुबारक महीना वा, इस महीने की बरकत नाल उन्होंने अते जो सख्तियाँ मुश्किल दूर करे अल्लाह ताला, उन्हों की गैबी मदद फरमावे। हुण असी आने जिनसाल, पहले गल करते हैं यूरिया की। यूरिया रेट वैसे आम जरा 4500 गौरमेंट का वा, लेकिन मिल नहीं रही और रेट के नाल। उस तो बाद असं कल गल की कि आलू का रेट भी दस्या करा, आलू की बोली चौंकि 3 बजे तो 4 बजे तक होंगी है। असं इंशाला कल का रेट से दस रहे हैं कि जी आलू बिकया वा वो 2700-2800 तक जोड़ा वा। कल आलू फैसलाबाद मंडी के अंदर सेल होया। इस तो बाद जंतर की गल करते हैं, जंतर का रेट 5100 तो ला के 5300 तक जोड़ा वा वो जंतर सेल होया। अगर गल करिए गुड़ की, गुड़ का रेट 5000 तो ला के 7000 तक जोड़ा वा वो गुड़ सेल होया। इस तो बाद सफेद चरी लाने, सफेद चरी जी 2530 तो लाग के 3000 तक जी सफेद चरी सेल हुई आ। हुण गल करांगे लाल चरी की, लाल चरी जी 5200 तक जी लाल चरी सेल हुई आ। इस तो बाद तिली लाने, तिली का रेट जरा काफ़ी दिन बाद जरा 18000 थले गया वा, 16000 तो लाग के 17900 तक जी तिली सेल हुई आ। गंदम का रेट वही 5000 चलता आ रहा वा। इस तो बाद सरों की गल करांगे, सरों का रेट जरा वा 5700 तो ला के 6900 तक जी बहार पुरानी जी सरों वो सेल हुई आ। वैसे असं मार्केट फील्ड फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि सरों जी निकलनी चाहिए उस हिसाब के नाल नहीं निकल रही, बहुत जी सरों खाली आ रही है कि बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही। पिछले साल की निस्बत बहुत घट जी सरों जी निकल रही है पैदावार, तकरीबन 6900 तक जी
ਭਾਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਆ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 2750 ਵਾ, 2600 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2750 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਜਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਾਰੀਆ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਬਹਾਰੀਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2150 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, 2170 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਰੀਆ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਆ, 2200 ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਵੀਂ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਸਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2300 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਿਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।